दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आपने अक्सर कुत्ते और बिल्लियों को आते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन कभी कभी क्रिकेट के मैदान पर इन छोटे मोटे जानवरों के अलावा कुछ ऐसे खतरनाक जानवर आ जाते हैं जिनको देखकर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी घबरा जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हमें एक बार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच के दौरान देखने को मिला, जब बीच मैदान में अचानक से एक काला लंबा सांप आ गया, जिसे देखकर सभी की धड़कनें तेज हो गई। दरअसल उस समय भारतीय पारी के 7वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल की नज़र उस सांप पर पड़ी थी और फिर मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ, क्रिकेट रिकॉर्ड्स की तरह ये इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। दरअसल श्रीलंका में चल रहे लंका प्रीमियर लीग का दूसरा मैच, जो कि गाल टाइटंस और दांबूला आरा के बीच खेला जा रहा था, और तभी अचानक से एक जहरीला सांप मैदान के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा और मैदान में खेल रहे खिलाड़ी एकदम से घबरा गए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि सांप एक खतरनाक जानवर होता है और अगर किसी को काट ले तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो सकती है। सभी सांप को दूर से खड़े होकर देख ही रहे थे, लेकिन तभी फोर्थ अंपायर मैदान पर आ जाते हैं और एक प्रोफेशनल सपेरे का रोल अदा करते हुए सांप को मैदान से बाहर हटाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद खेल दोबारा शुरू हो जाता है। मैदान पर सांप घुसने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आती है तो लोग इसका मजाक बनाने लगे। लोगों ने इस सांप को बांग्लादेश क्रिकेट टीम से जोड़ा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपने नागिन डांस के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से लोग ये कहने लगे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम चुपके से मैच देखने आई है। तो वहीं कुछ लोग श्रीलंका पर सवाल उठाने लगे कि श्रीलंका के मैदानों की सुविधा कितनी खराब है। लोगों का कहना था कि इतने बड़े मैच में जहरीले सांप का आना एक बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि ये किसी भी खिलाड़ी के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी स्टेडियम में बैठकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखा है? कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।